नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज मैं आपको BSc थर्ड ईयर की सेकंड पेपर प्लांट इकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक प्लांट एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगी। आज का हमारा विषय है एटमॉस्फेयर, मुख्य रूप से एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसमें कई सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर एक पर्टिकुलर जगह की एनवायरनमेंट को बनाते हैं। तो इस टॉपिक में एटमॉस्फेरिक गैसेस का क्या काम है, वो कैसे कहीं के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वहाँ का वातावरण को प्रभावित करने वाले जो गैसियस फॉर्म में जो भी वहाँ पर मौजूद है कंपोनेंट्स, वो सभी उसका एटमॉस्फेयर कहे जाते हैं। यहाँ पर हम जो पर्यावरण के विषय में ले रहे हैं, इसमें ओनली द थिक गैसियस मेंटल सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस मेंटल मीन्स होता है कवरिंग या खोली, उसके अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस फॉर्म में जो एक खोली प्रेजेंट है उसमें क्या क्या उपस्थित है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एयर है उसमें एक मिक्सचर होती है, कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं और सभी गैसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जो गैसेस हैं उनका कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ये समय और स्थान के अनुरूप बदलता रहता है। सॉयल जो है, मृदा, इसके भी अपना एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि सॉयल के पार्टिकल्स के बीच बीच में एयर स्पेसेस होती हैं, पोर्स होती हैं जिसमें एयर भरी होती है, और इस तरह से एक अपना एक सॉयल एटमॉस्फेयर बनाती है। अब है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो गैसेस हमारे आसपास मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में उनका क्या कंपोजिशन है। अप टू द हाइट ऑफ 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और ये सभी एक थिक गैसियस मेंटल खोली के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है धरती से, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जो एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक लगभग 95% गैसेस उपस्थित होती है, और इस तरह से अभी आपको ऊपर की लाइन में बताया, जैसे कि 300 किलोमीटर तक होता है एटमॉस्फेयरिक गैसेस का जमाव, तो 20 किलोमीटर तक तो ये 95% गैसेस उपस्थित हो जाती हैं। जो बचे 280 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 5% गैसेस ही उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से जो गैसेस मेंटल है अर्थ को सराउंड करने वाला, घेरने वाला, इट इज फाउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ऑफ दीज वेरियस गैसेस, उनमें से मुख्य रूप से होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से होती हैं, उसके अलावा दूसरी अन्य गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, वो यहाँ पर टेबल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। ये गैसेस के नाम हैं और ये उनका परसेंट, कितने प्रतिशत प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन 78.08, 78%, ऑक्सीजन 20.9, लगभग 21%, उसके बाद आता है आर्गन 0.93, यानी कि 1% लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसी तरह से नियॉन, हीलियम, इधर है क्रिप्टन, ज़ेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, ये सभी इसी रेशियो में एटमॉस्फेयर में उपस्थित होती है। इसी टेबल को अगर हम पाई डायग्राम के रूप में देखें, तो ये जो हरे रंग का हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा एरिया है इसका, और ये नाइट्रोजन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें 78.08% नाइट्रोजन उपस्थित है। जो लाइट ब्लू कलर का है, दैट इज ऑक्सीजन 20.95%। जो डार्क ब्लू कलर की पतली सी पट्टी है, उनमें ये सभी गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और हाइड्रोजन आते हैं। इन गैसेस के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी वातावरण में उपस्थित होती हैं, वो क्या हैं, जैसे कि वाटर वेपर, पानी जो है वाष्प के रूप में उपस्थित होती है, इंडस्ट्रियल गैसेस, जो गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्री से, औद्योगिक इकाइयों से, वो होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं,
धूल व राख के कण होते हैं, ये सभी जो है सस्पेंडेड फॉर्म में उपस्थित होते हैं। उसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि उनके पॉलन ग्रेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स डस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा फंजाई के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी एटमॉस्फेरिक गैसेस का हिस्सा होते हैं। जो मुख्य गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरी अन्य गैसेस भी हैं जिनका उनकी सभी की साइकिलिंग जो है वो चलती रहती है पर्यावरण में, और ये साइकिलिंग होती है एटमॉस्फेयर, सॉयल और ऑर्गेनिज्म के बीच में। ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ह्यूमन हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो सॉयल में और एटमॉस्फेयर में वातावरण में उनका साइकिलिंग होती रहती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे दूसरे बायोजियोकेमिकल साइकिल के चैप्टर में। तो इन मुख्य गैसेस के अलावा जो अदर कंपोनेंट्स हैं, जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या योगदान है, वो हम आगे देखेंगे। ये जो आपने गैसेस पढ़ी, ये तो इनका तो फिक्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि 78.08% नाइट्रोजन होगा, 29.085% ऑक्सीजन होगा, तो इस तरह से इनके रेशियो फिक्स होते हैं। लेकिन देयर आर अदर जो पार्टिकल्स हैं, अदर गैसेस हैं, उनके वेरिएबल कंपोनेंट इसलिए कहा जाता है कि उनकी मात्रा फिक्स नहीं होती, ये स्थान और समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। दीज वेरिएबल कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, वाटर वेपर्स, इसकी चर्चा ऊपर भी हुई थी, डस्ट पार्टिकल्स एंड ओजोन, यही मुख्य हैं। ये सभी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, प्रभावी होते हैं कहीं के पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं वाटर वेपर का क्या योगदान है। वाटर वेपर जो पानी वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वो 1 से लेकर 4% तक इनकी सीमा होती है। जो वाटर वेपर्स हैं, दिस इज सोर्स ऑफ ऑल क्लाउड्स, जो बादल बनते हैं, जो प्रेसिपिटेशन होता है, बरसात होती है, वो इन्हीं की वजह से होती है। इट हैज़ द एबिलिटी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही इनकी भी क्षमता होती है ये हीट को एब्जॉर्ब करने की। जो हीट अर्थ के द्वारा उत्सर्जित होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इसके अलावा जो सोलर एनर्जी होती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, पानी का लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो ये पानी है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है, तो ये पानी हीट को या तो एब्जॉर्ब करती हैं या रिलीज करती हैं। और ये जो है हीट, ये कई सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल को प्रोसेस करने में, चलाने में काम आता है। और यही वो एनर्जी है जो कि आंधी तूफान में भी काम आती है, आंधी तूफान की वजह से होता है। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट कहाँ से आते हैं, क्या कहाँ से उत्पन्न होते हैं? दीज डस्ट इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, जिसमें कि पॉलन स्पोर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। ये सभी जो अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसका जो डिवीजन है वो हम आगे देखेंगे, उसके ट्रोफोस्फीयर वाले भाग में पाए जाते हैं। ट्रोफोस्फीयर क्या है मैं आगे बताऊंगी अभी। ये ट्रोफोस्फीयर जो है अर्थ के सबसे नज़दीक वाला पार्ट होता है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और इन ये आते कहाँ से हैं, द मेन सोर्स इज अर्थ इट्सेल्फ, ये धरती से ही उत्पन्न होते हैं और इसलिए सबसे नज़दीक पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आंधी तूफान की वजह से ये डस्ट जो है वो अपर रीजन तक भी पहुंच जाते हैं। जब एयर करंट चलती है, हवाएं तेज चलती हैं, तो ये जो डस्ट होते हैं ये वातावरण के ऊपरी सतह पर भी पहुंच जाते हैं। कुछ डस्ट जो होते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं, हमारे उल्का पिंड होते हैं अंतरिक्ष में, वो भी बार बार डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, उनसे भी जो डस्ट होती है वो धरती तक आ सकती है। ये सब इसके सोर्स हैं। इनका काम क्या है, दे एक्ट एज अ सरफेस वेयर वाटर कैन कंडेंस। बरसात कैसे होती है, एक घने बादल होते हैं तो उसमें एक न्यूक्लियाई चाहिए होता है, मे बी या डस्ट पार्टिकल या कोई दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, जिसके चारों तरफ ये पानी की बूंदें कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और तब जाकर ये क्लाउड्स में से पानी बरसात के रूप में जमीन पर आता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियाई बनाते हैं जिनके चारों तरफ पानी संघनित हो जाता है, ठीक है, या तो स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में, या बरसात के रूप में। अगर डस्ट नहीं हो
तो यहाँ पर क्लाउड या फॉग नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियाई चाहिए होती है, वो न्यूक्लियाई कहाँ से आएगी? डस्ट जो है वो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं सोलर रेडिएशन को। वेन आपने देखा होगा जब कोई ज्वालामुखी फटती है तो उससे बहुत सारे डस्ट निकलती है, बहुत ज़्यादा घनी डस्ट निकलती है, जिसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी होती है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती पूरी तरह से और अंधेरा छा जाता है। डस्ट का काम है लाइट के स्कैटर करने का भी काम आ जाता है, जिससे कि हमें सनलाइट और सनराइज के समय, सनराइज और सनसेट के समय में ऑरेंज कलर की रोशनी दिखाई देती है। तीसरा पार्ट है ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें तीन ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल में शामिल होते हैं। एटमॉस्फेयर में फ्री कंडीशन में ये गैसेस बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, और ये जो भी पाई जाती हैं ओजोन लेयर के फॉर्म में वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती हैं। ये हम आगे बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, कि स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर जिसके नाम अभी तक आए हैं वो क्या होते हैं, इनका काम क्या है। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि धरती ज़्यादा गर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है कि हमें इसमें शामिल क्या क्या होता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या है? सुक्लिफ ने 1966 में इसके बारे में डिटेल बताया था कि ये किन भागों में विभाजित है और क्या कहते हैं, इनके नाम क्या हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर धरती के बिल्कुल नज़दीक वाला हिस्सा ट्रोपोस्फियर होता है। ये लगभग 20 किलोमीटर तक होता है, 7 से 16 किलोमीटर तक इसमें रेंज दी हुई है। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डेटा मिलेंगे। नेक्स्ट हिस्सा होता है स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। तीसरा हिस्सा है मीजोस्फियर और चौथा हिस्सा है थर्मोस्फियर। ये थर्मोस्फियर जो है वो लगभग दो भागों में बटा होता है। ऊपर का हिस्सा जो बिल्कुल अंतरिक्ष को जाता है उसको एक्सोस्फियर कहते हैं, और जो नीचे को जाता है वो दैट इज आयनोस्फियर। अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। एटमॉस्फियर को चार भागों में बांटा गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सबसे नज़दीक वाला हिस्सा होता है धरती के ट्रोपोस्फियर, बेसल पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर होता है। ये 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, और पोल्स पर, चूंकि धरती चपटी होती है पोल्स पर, इसलिए वहाँ पर ये 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। जितने भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, बादल बनना, बरसात होना, ये सभी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनना, लाइटनिंग, लाइट चमकना, थंडरिंग, आंधी तूफान आना, ये सभी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। इस रीजन में जो एयर टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ घटता जाता है। 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड कम हो जाता है, और इसी स्पीड से ऊपर घटता जाता है। अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर में ये लगभग -60 डिग्री टेम्परेचर तक, डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ट्रोपोपॉज क्या होती है? ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ से इसके ऊपर का ट्रोपोस्फियर और इसके ऊपर का हिस्सा स्ट्रेटोस्फियर अलग होते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है। दूसरा हिस्सा होता है स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फियर, और ये जहाँ पर ट्रोपोस्फियर समाप्त होती है उसके ऊपर 30 किलोमीटर और आगे तक होता है। इसलिए कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई है धरती से 50 किलोमीटर ऊपर तक होती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है। ये कारण क्यों होता है इसका? इसका कारण है कि जो ओजोन फॉर्मेशन है, इसी लेयर में ओजोन फॉर्मेशन होता है, जो ओजोन बनती है ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, रेडिएशन होती है सनलाइट को, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से इस रेंज में टेम्परेचर बढ़ती है। इसी तरह से उसके तीसरा जो हिस्सा है वो है मीजोस्फियर। तो ऊपर जो पढ़ा आपने स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर की जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। तीसरा हिस्सा मीजोस्फियर, ये 50 किलोमीटर ऊपर तक तो स्ट्रेटोस्फियर था, उसके ऊपर 40 किलोमीटर और, यानी कि 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो मीजोस्फियर कहलाता है। और इसमें टेम्परेचर जो है वो वापस कम होने लगता है और -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। तो
टॉप ऑफ द मीजोस्फीयर इज कॉल्ड मीजोपॉज. पॉज इज अ लाइन जहाँ पर मीजोस्फीयर खत्म होती है और आगे चौथी लेयर शुरू होती है, उस लाइन को मीजोपॉज बोलते हैं. और ये जो अर्थ एटमोसफियर है उसका सबसे ठंडा वाला हिस्सा है, ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर एवरेज वहां पर होता है -130 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है. चौथा पार्ट है थर्मोस्फीयर. ये 90 किलोमीटर से लेकर 500 से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है. इसमें टेम्परेचर रेंज सबसे ज़्यादा होती है 2700 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसमें बढ़ता है. यहाँ पर एयर डेंसिटी, हवा का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे कम होता है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम आउटर स्पेस भी कहते हैं, बाहरी अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं वो भी कहते हैं. एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतला, क्योंकि घनत्व बहुत कम है इसलिए ये बहुत एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है. इसी वजह से स्पेस शटल जो होते हैं, अंतरिक्षयान, वो सभी इसी थर्मोस्फीयर के ऑर्बिट में डाले जाते हैं. थर्मोस्फीयर में एक्चुअली कुल मिलाकर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, टू लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फीयर. कौन कौन सी है? पहला आयनोस्फीयर, ये मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है और 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है. इसकी विशेषता ये है कि इसमें फ्री आयन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. जो बनते कैसे हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल. जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन से बनते हैं. दूसरी विशेषता ये है कि इसमें रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर में कम्युनिकेट करती हैं, ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से हम रेडियो सिग्नल रिसीव करते हैं इसी क्षेत्र के द्वारा. एक विशेषता और होती है ऑरोरा बोरेलिस, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं. ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं सन के द्वारा जब प्राप्त होते हैं, वो जो आयोनाइज पार्टिकल्स हैं इस स्फीयर में, उससे जब टकराते हैं तो मल्टी कलर्ड लाइट उत्पन्न होती है. इसको कहा जाता है ऑरोरा बोरेलिस. ये इसी क्षेत्र में मिलते हैं. टेम्परेचर जो इस रीजन की है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है. लास्ट रीजन इज एक्सोस्फीयर, इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. अभी जैसे आपने ऊपर बताया था, ये 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है. इसी में सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं, एक्सोस्फीयर में डाले जाते हैं. इसमें एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही पतली होती है, क्योंकि घनत्व जब है एयर का बहुत ही कम होता है, क्योंकि एयर एटम्स और मॉलिक्यूल जो एयर्स के होते हैं वो स्केप करते रहते हैं कंटिन्यू. स्केप मतलब होता है बिखरते रहते हैं स्पेस की तरफ. इसमें फ्री मूविंग पार्टिकल्स जो हैं, जो सोलर विंड से निकलने वाले फ्री मूविंग पार्टिकल्स भी एक्सोस्फीयर में बिखरे होते हैं. और इसके अलावा जो हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स भी इस एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं. इस तरह से ये आपका जो टॉपिक था समाप्त हुआ. आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा. आप इसके जो टेक्स्ट मैंने लिखे हैं, इसको आप अपने नोट्स की तरह, जो कुछ मैंने मौखिक बताया है, जो कुछ इसमें लिखे हुए हैं, उसके आधार पर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं. और ये हमारे चैनल का नाम है, इसमें आप अपना सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं. धन्यवाद.